नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं रॉयल एक्सप्रेस न्यूज। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं मुंबई की इस खबर पर। असहायों की मदद करना, समाज सेवा करना, लोगों के हित में सोचना, यह है राधे माँ जो 14 साल से मुंबई में रह रही हैं। नवरात्रि पहले दिन मुंबई स्थित कांदिवली पश्चिम कंट्री क्लब में चल रहे डांडिया में राधे माँ ने दीप प्रज्वलन किया। राधे माँ के वहां पर पहुंचने से लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें, मुंबई में डांडिया का उत्सव खूब चल रहा है। इस दौरान राधे माँ ने मीडिया से बातचीत कर क्या कुछ कहे, देखिए ये रिपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि माता रानी माँ जगदम्बा का उत्सव है, सब लोग बड़े उत्साहित हैं, सब लोग नवरात्रि व्रत रख रहे हैं माता रानी के लिए। जो सच्चे मन से माता रानी को पूजते हैं तो माता रानी उनके घर में खुशियाँ देती है, बरकत देती है और माता रानी के चरण पड़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि माता रानी भावना की भूखी है। अगर हम व्रत रख के बहुत सारा खा लेते हैं तो भी कोई फायदा नहीं। हम व्रत ने हम खेतरी बीजते हैं और उसके बाद हम माता रानी की पूजा किए बिना कुछ खाते नहीं। सारा दिन पूरा दिन जोत जलती है और जोत में घी डालते हैं। यथाशक्ति हम कन्या पूजन करते हैं, यथाशक्ति हम सबकी सेवा करते हैं। मैं ह्यूमैनिटी को मानती हूँ और माता रानी की पूजा करती हूँ, शिव भगवान की पूजा करती हूँ और गुरबाणी पढ़ती हूँ और गॉड इज़ वन। राम रहीम ते मौला किए, समझ आ जाए ते रौला किए। नहीं, पहले तू बोल फिर। राधे माँ कैसा लगा आपको? राधे माँ के आने से नवरात्रि के पहले दिन में 4 चांद लग गए। उनके शब्द जो सुने वो मतलब कान पे छू गए, ऐसा आज तक सुना नहीं था। उनको लाइव पहली बार सुना, अच्छा लगा। उनको भी फर्स्ट टाइम देखा आज। इनके यहाँ चरण पड़ते एकदम शुद्ध हो गए, जमीन रौनक छा गई। बोलो राधे माँ जी।